हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ बॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पाइल्स के बारे में बात करूंगी। पाइल्स आप सभी जानते हैं दोस्तों, एक बहुत ही ख़तरनाक रोग है और इसमें गुदा द्वार से बहुत ही ज़्यादा और भारी मात्रा में ब्लड निकलता है, जो कि अगर वक्त पर इसका सही इलाज ना लें तो ये बहुत ही बढ़ता जाता है और क्रॉनिक डिसीज़ बन जाता है। तो दोस्तों, आज पाइल्स के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा नुस्खा आपको बताऊंगी और इस नुस्खे को कई बार कई लोगों पर मैंने आज़माया है और बहुत 100% इसका रिज़ल्ट मिला है। सबसे पहले दोस्तों, पाइल्स के बारे में जानते हैं कि पाइल्स है क्या। दोस्तों, पाइल्स यानी बवासीर, ये दो तरह की होती है, खूनी और बादी बवासीर और मसे वाली बवासीर। मसे वाली बवासीर दोस्तों, जिसमें गुदा द्वार से मसा बाहर निकल जाता है और शौच के समय उसमें से रक्त निकलता है, खून निकलता है। और बादी और खूनी बवासीर में, जो जब शौच करने के लिए मरीज़ बैठता है तो एक पिचकारी की तरह ब्लड उसमें से निकलता है, जो कि बहुत ही तकलीफदेह है, क्योंकि शरीर से अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में रक्त बाहर निकले तो ये चिंता का विषय है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही रामबाण नुस्खा बताने जा रही हूँ और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और जिन्हें बहुत क्रोनिक यानी 10-10 साल पुरानी जो बवासीर है, जो किसी भी दवा से ठीक नहीं होती या ठीक होकर फिर से हो जाती है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है दोस्तों। बहुत ही घरेलू सा साधारण सा नुस्खा है, पर बहुत ही कारगर है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, ये छाल है, ये आप जानते हैं कि ये नारियल की छाल है और श्रीवल जिसे हम कहते हैं, ये नारियल आप सभी जानते हैं। तो इस छाल को 3 से 4 नारियल की आप इस छाल को निकाल लीजिए और इसे एक परात में आप लेकर माचिस की तील लगाकर इसे जला लीजिए। इसकी राख बनाकर आपको छानकर, कपड़े से छानकर उसे एक कांच की शीशी में आपको स्टोर करना है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे इसे बना लिया है और ये नारियल की छाल जो है इसको जलाकर मैंने ये राख बना ली है। देखिए, ये राख है दोस्तों और इसे आपको कपड़े से छानकर इसे बनाना है। तो बहुत ही सिंपल सा नुस्खा है दोस्तों। इस नारियल की छाल को जलाकर और इसका जो आप ये राख है, इसे कपड़े से छानकर एक बॉटल में, खासकर कांच की ही बॉटल होनी चाहिए, उसमें आप स्टोर कर सकते हैं। इस नारियल की छाल को ये एक कटोरी दही में आपको इसे मिलाना है। ये देखिए, मैं आपको मिलाकर बताती हूँ दोस्तों। ये जो चम्मच है, बस ये थोड़ा सा, आधा से पौना चम्मच आपको इसमें लेना है और ये यही आपकी इस दवा है। ये देखिए, ये कटोरी का साइज आप देख सकते हैं। ये कटोरी दही, ये घर का दही है दोस्तों, शुद्ध बना हुआ, जमा हुआ, इसमें खटास नहीं होनी चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो दही है ये बिल्कुल खट्टा ना हो। और इसमें ये जो दवा है, इसको आप अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए, मिलाकर। देखिए, इस तरह से आप इसको मिलाना है इसको। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसमें किसी भी तरह से न नमक न शक्कर आपको मिलाना है। बस यही है वो दवा, बवासीर का रामबाण नुस्खा, जो बहुत ही कारगर है। तो इसे आप इस तरह से मिलाकर, अब इसे लेने का तरीका बताती हूँ दोस्तों कि ये जो दवा है, इसे आपको सुबह खाली पेट बिना मुंह धोए, जैसे हम कहते हैं ना निहार मुंह, तो निहार मुंह इसे आपको लेना है और ये पूरी कटोरी जो दही है इस दवा के साथ आपको खा लेना है। उसके बाद 1 घंटे तक, मतलब आपको कुछ खाना पीना नहीं है, नाश्ता इस दवा के लेने के 1 घंटे बाद ही आपको करना है। और उसके ही, मतलब इस एक जो नुस्खा है वो आपको कम से कम 3 दिन तक लगातार करना है, 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन। 5 दिन के बाद आप इसको लेना बंद कर दीजिएगा। बहुत से लोगों को तो 3 दिन में ही फ़ायदा हो जाता है, लेकिन अगर जिन्हें ज़्यादा समस्या है
तो आप इसे 5 दिन तक भी ले सकते हैं। इसे महीने में सिर्फ एक ही बार लेना है, 5 दिन या 3 दिन। तो दोस्तों ये ही नुस्खा है जो कि पुरानी से पुरानी बवासीर में भी बहुत ही ज़्यादा लाभ देता है और इसे जड़ से मिटाता है। एक बात कहना चाहूँगी दोस्तों कि ये जो नुस्खा है इसके साथ ही आपको बवासीर जो मेन कारण है वो है कॉन्स्टिपेशन का। मेन इसका मतलब जड़ है वो कॉन्स्टिपेशन है दोस्तों। पेट हमेशा अपना साफ रखिएगा और पेट साफ रखेंगे तो आपको ये रोग कभी नहीं होगा। इसका मेन कारण ही कब्ज है और खान पान में जो आपकी गड़बड़ियाँ होती हैं, अनियमितता होती है, उसे अपने सुधारिए और लिक्विड ज़्यादा मात्रा में लें। इसके साथ ही आपको अनार का सेवन करना है और दही का सेवन करना है और पेट को में कब्ज़ ना होने दें, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि कब्ज़ ही इसका मेन कारण है दोस्तों। तो ये जो नुस्खा है इसे लेते हुए भी आपको थोड़ा सा परहेज़ करना होगा। कोई भी ऐसी तली या भुनी हुई चीज़ें आपको नहीं खानी है जिससे आपका हाजमा ख़राब हो या आपको कॉन्स्टिपेशन हो। तो कॉन्स्टिपेशन ना हो उसके लिए आपको लिक्विड ज़्यादा मात्रा में पीना है, पानी वगैरह, और दही का भी या छाछ का भी, आप घर की बनी छाछ या घर का बना दही खाने के बाद, भोजन के बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सरल सा सीधा सा रामबाण नुस्खा है दोस्तों। इसमें किसी तरह का आपको एक पैसा भी खर्च नहीं होता। ये सारी चीज़ें साधारण सी हमारे घर में उपलब्ध होती हैं। तो ये और बहुत ही क्रॉनिक डिसीज़ अगर हम समय पर इसका ध्यान न रखें या इसे न दूर करें तो ये बहुत ज़्यादा खराब रोग बन जाता है। तो वक्त रहते आप इसका सेवन कीजिए और बवासीर रोग जड़ से मिटा दीजिए दोस्तों। ये था आज का हमारा बवासीर के ऊपर, पाइल्स के ऊपर हमारा साधारण सा नुस्खा लेकिन लाजवाब नुस्खा। अगली वीडियो में दोस्तों फिर हाजिर होंगे कुछ नया लेकर। लेकिन आप मेरे चैनल को, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज हर दूसरा तीसरा व्यक्ति बवासीर से पीड़ित होता है और उसके लिए ये रामबाण नुस्खा है। अगली वीडियो में फिर कुछ नया लेकर मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।